मैं हूं मुज्तबा। आज भी हम वेक्टर अलजेब्रा करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट्स, वो क्या हैं आई जे और के। तो सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट विद इन ब्रैकेट 0, 3, -1 मीटर टू द पॉइंट विद इन ब्रैकेट -2, 6, 4 मीटर। गिव योर आंसर इन आई जे एंड के नोटेशन। तो यहाँ पर हमने जो जवाब देना है वो है आई जे और के नोटेशन में। ऑल्सो गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है डिस्प्लेसमेंट का। तो सवाल शुरू करते हैं। तो हम लिख सकते हैं द कंपोनेंट्स डिस्प्लेसमेंट आर, वो क्या है डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसको डी एक्स कर लेते हैं, और हम x2 - x1 यानी कि -2 - 0 = -2। इसी तरह डी वाई निकाल लेते हैं, वो हमारे पास क्या है 6 - 3 = 3। और डी जेड निकाल लेते हैं, वो हमारे पास है 4+, क्योंकि वो माइनस है वहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4+1 = 5। तो नोटेशन हम किस तरह लिखेंगे इसकी, हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू -2i + 3j + 5k। और इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे या मैग्नीट्यूड, वो है अंडर रूट इसके कोफिशेंट्स के स्क्वायर कर लेंगे। क्या है -2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। तो इसको सम अप कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √38। और इसका जब रूट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 6.2 मीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो है फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फॉलोइंग 3 डिस्प्लेसमेंट्स 2i - 3k, 5j - 2k एंड 6 - 6i + j + 8k ऑल इन सेंटीमीटर। तो उसके यूनिट जो हैं हमारे पास वो सेंटीमीटर में गिवन है। हमने जो रिप्रेजेंटेशन देनी है वो यूनिट वेक्टर्स में आई जे के फॉर्म में देनी है, और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालते हैं, आर इज इक्वल टू, तो हमारे पास 2i और -6i, तो 2 - 6i + 5j + j + 1 j + -3k - 2k + 8k। तो यहाँ k लिख देंगे, और इसके नतीजे में हमारे पास आ जाएगा -4i + 6j + 3k सेंटीमीटर। ये हमने रिप्रेजेंटेशन दी आई जे के फॉर्म में। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं यानी कि मैग्नीट्यूड, वो इसके कोफिशेंट्स के स्क्वायर और उसका फिर अंडर रूट। तो -4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर है √61। और रिजल्टेंट जो है हमारे पास वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड 7.8 सेंटीमीटर। चूंकि यूनिट सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर में ही जवाब देंगे। आगे चलते हैं। अब जो सवाल है हमारे पास वो है इफ़ a = 2i - 3j + 5k और यूनिट है उसका मिलीमीटर, और b जो है -i - 2j + 7k, इसका भी यूनिट मिलीमीटर है। फाइंड इन कंपोनेंट फॉर्म part 1 a - b, part 2 b - a, part 3 vector c such that a + b + c = 0। यानी कि यहाँ c गिवन नहीं है लेकिन हम c निकालेंगे। तो पहले हिस्से पे जाते हैं, और वो है a - b। हमारे पास a - b है, तो हम इसको किस तरह निकालेंगे, हम निकालेंगे 2+1i + -3+2j + 5 - 7k। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा
3i माइनस जे माइनस 2k, और यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, मिलीमीटर। अब दूसरा निकालते हैं, वो है बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो इसका जवाब क्या बनेगा, माइनस ए माइनस बी। हम चूंकि बी माइनस ए निकालना चाहते हैं तो इतनी दिक्कत करने की क्या ज़रूरत है, हम ए माइनस बी को निकाल सकते हैं, और ए माइनस बी की जो वैल्यू हमने इवेल्यूएट की है वो 3i माइनस जे माइनस 2k है, तो इसको लिखेंगे माइनस 3i प्लस जे प्लस 2k, और यूनिट क्या है, मिली मीटर। अब पार्ट थ्री करते हैं हम। पार्ट थ्री कहता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर सी निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि माइनस ए प्लस बी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिखेंगे माइनस साइन बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और ए प्लस बी करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, टू माइनस वन आई प्लस माइनस थ्री माइनस टू जे प्लस फाइव प्लस सेवन के, ब्रैकेट क्लोज। तो माइनस, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास आई माइनस फाइव जे माइनस प्लस ट्वेल्व के, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आई प्लस फाइव जे माइनस ट्वेल्व के, यूनिट मिली मीटर। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जो सवाल है वो कहता है अ सर्टन वेक्टर इज गिवन बाय 3i प्लस 4j प्लस 7k, फाइंड द एंगल इट मेक्स विद द जेड एक्सिस। तो हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस जहां i यूनिट वेक्टर होता है, y एक्सिस जहां पे j यूनिट वेक्टर होता है, और z एक्सिस जहां पे k यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको निकालते हैं, पहले तो सवाल को ये समझेंगे कि हमने निकालना क्या है। सर्टन एंगल, तो हमने थीटा निकालना है, यानी हमारे पास जो है वो सवाल में थीटा है, तो वो हमें मालूम करना है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, पहले तो हम 3i प्लस 4j प्लस 7k का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हम इसको m से मेंशन कर देते हैं मैग्नीट्यूड को, और अंडर रूट में कोफिशिएंट्स के स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 74। अब हमें k की वैल्यू इवेल्यूएट करनी है क्योंकि z एक्सिस पे k यूनिट फॉर्म है, तो हम लिखेंगे cos थीटा 3 इज इक्वल टू एम जेड ओवर m इज इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट 74। तो हम कहेंगे थीटा 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 7 ओवर अंडर रूट 74। अब इसकी इनवर्स वैल्यू जब निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास एंगल की वैल्यू जो है थीटा 3 की, वो आ जाएगी 35.5 डिग्री। तो ये हमारा एंगल निकल आया।